सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेटिव यूनिवर्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए रोज नए नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेकर आए हो, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सबका जाना पहचाना और सभी यूट्यूबर ने यूज करने वाला माइक जो बोया BYM1, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है या डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग इस विषय में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, फिर जो ये प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का हम लोग अनबॉक्सिंग भी करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसका पहले अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर हम लोग जानेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है या डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। तो ये जो प्रोडक्ट है मैंने मंगाया था अमेजन से, तब इसका प्राइस था 797 रुपीज़। इसका प्राइस अभी अप डाउन भी हो सकता है। तो आइए हम लोग इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो मेरा कैंची से इसको मैं कट कर रहा हूँ। तो कट करके हम लोग देखेंगे कि अंदर या कौन सा बॉक्स है या कुछ डैमेज वगैरह पार्ट मिला या नहीं मिला। तो ये जो अपर का जो बॉक्स है, ये बॉक्स ज़बरदस्त पैकिंग है, इसमें कोई कमी नहीं रखा है, मतलब अमेजन से। तो पैकिंग बहुत ज़बरदस्त किया है। तो हम लोग काट करते हैं। देखिए, काट करके इसको जो अंदर का जो पार्ट है, मतलब मेन कॉन्टेंट है, उसको हम लोग निकल लेते हैं। तो देखिए, काट हो गया। तो इसको काट करके हम लोग उस बॉक्स को निकालेंगे। देखिए, इसका जो पैकिंग है और जो सपोर्टिंग के लिए जो पेपर का रूल दिया हुआ है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि अगर पेपर रूल नहीं देते तो अंदर का पार्ट डैमेज भी हो सकता था। तो पैकिंग में कोई कमी नहीं है, ज़बरदस्त पैकिंग किया हुआ है। तो आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में कोई भी डैमेज वगैरह नहीं आएगा। तो देखिए, अंदर पे एक कैश मेमो है, इसमें आपको देखेगा इस प्रोडक्ट का पूरा डिटेल्स, इसका प्राइस कितना है 797 रुपीज़। तो इसको हम लोग साइड में रखते हैं। तो हम लोग अभी जो मेन प्रोडक्ट है उसको ओपन करेंगे। तो इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। तो यही है हमारा मेन प्रोडक्ट बोया BYM1 माइक, जो सभी यूट्यूबर यूज़ करते हैं। तो इसका अपर साइड में लिखा हुआ है बोया BYM1 और आपको एक बारकोड भी देखने के लिए मिलेगा, और जो बैक साइड में आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा इस प्रोडक्ट के। तो इसका प्राइस कितना है, क्या स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ आपको मिलेगा इसका बैक साइड में। तो इसका चाइनीज प्रोडक्ट है, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ है। अगर आप रीड करना चाहते हैं तो इधर से रीड भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको अभी ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए इसको देखिए, इसका पैकिंग जो है, पैकिंग पूरा ज़बरदस्त है। तो इसको ओपन करने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा, देख सकते हैं। तो इसको कौन सा साइड से ओपन करें, तो इसको नीचे कर दे, फिर इस साइड से ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओपन हो रहा है। हाँ, देखिए ओपन हो गया। तो हम लोग को नीचे देख रहा है जो हमारा मेन प्रोडक्ट बोया BYM1। तो देखिए, इसमें कुछ यूजर मैनुअल्स है, वारंटी कार्ड है, जो ये वारंटी कार्ड है ये इंडिया में काम करेगा या नहीं करेगा मुझे पता नहीं है। तो अगर इसमें है तो रख दीजिए। फिर जो ये है यूजर मैनुअल, तो इसमें अगर आपको कैसे इसको फिटिंग करना है तो आप फिटिंग भी कर सकते हैं, कैसे आपको कनेक्टर को लगाना है तो आप लगा सकते हो इसको पढ़ के। तो आइए हम लोग अभी मेन पार्ट पे जाते हैं। देखिए, एक पाउच है, तो पाउच में के अंदर ही हमारा जो मेन प्रोडक्ट है। तो पाउच में आपको लिखा होगा बोया बोल के लिखा होगा। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा मेन प्रोडक्ट, फिर हम लोग देखेंगे अंदर में क्या है। देखिए, अंदर में एक पैकेट है, जो पैकेट में आपको कुछ चीज़ें मिलने वाला है, इसमें शायद कुछ कनेक्टर वगैरह है इसमें। देखिए, ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का जो कॉन्डेंसर है, आपको कॉन्डेंसर देखने के लिए मिलेगा। फिर जो इसका वायर है, वायर 20 फीट तक इसका लेंथ आपको मिलेगा। तो बहुत ही बड़ा वायर इसमें आपको मिलता है, इसलिए सभी यूट्यूबर इसको प्रेफर करते हैं। तो आइए हम लोग अभी कॉन्डेंसर को देख लेते हैं। इस कॉन्डेंसर में हमारा एक बैटरी फिटिंग होता है, फिटिंग होके इसको ऑन ऑफ करके ही आप स्मार्टफोन या कैमरा में यूज़ कर सकते हैं। तो यही था हमारा जो मेन प्रोडक्ट बोया BYM1, जो माइक सभी यूट्यूबर यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग ये सब को रखते हैं और बात करते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एम जो माइक है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो आपको इस बॉक्स में एक नज़र आ रहा है कि एक बारकोड आपको नज़र आ रहा है। तो इस बारकोड को आप मोबाइल से स्कैन करके एक वेरीफाई करना पड़ता है, तो उसमें 4 नंबर दिया हुआ है।
तो ये बारकोड को स्कैन करने के बाद एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो उस वेबसाइट में जाने के बाद आपको जो चार नंबर मिलेगा, अगर इस चार नंबर से मैचिंग हो जाता है, मतलब आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है, इसमें कोई डुप्लीकेट होने का चांसेस नहीं है। तो अगर आप कभी भी बॉय BY-M1 माइक को परचेस करते हैं तो इसको ज़रूर बारकोड को स्कैन करके वेरीफाई कर लेना कि आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो ऐसे करके ही ओरिजिनल डुप्लीकेट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को क्लोज करते हैं। जय हिंद।